Assalamualaikum and welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे. और आज की वीडियो आप लोगों को नज़र आ रही है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं. सो दिस इज़ माई ट्रैवलिंग ब्लॉग एंड माई फर्स्ट ब्लॉग. सो मैं कहाँ जा रही हूँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊँगी. बट आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड यू हिप्पी. सो ये वीडियो मैंने आधे रास्ते से बनाना स्टार्ट की, क्योंकि मैं स्टार्ट में बिल्कुल ही भूल गई थी कि मैंने वीडियो बनानी है. बट अब मैंने इसे स्टार्ट किया और यहाँ पे आ रहा है कि डिसिप्लिन की पाबंदी करें. सो आप लोग भी डिसिप्लिन की पाबंदी किया करें, ठीक है ना. सो यहाँ पे जाते हुए बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं. किसी को चलान हो जाता है, कोई वैसे ही रुका देखें आगे ही चलान वाली बस, ठीक है. इनको जी हो गया है चलान परसानों की. चलो जी, हम लोग इसको इग्नोर करते हैं और चलते हैं आगे. सो हम लोग जा रहे हैं जी सरगोधा, मेरी नानों की तरफ, मेरे दादों की तरफ, ठीक है. मेरा ननिहाल दुदियाल सारा ही सरगोधा में है, ठीक है. और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम लोग शादी पे जा रहे हैं और मेरे दो चाचू की शादी है फाइनली. जी तो वैसे तो मैं जा रही हूँ शादी पे, पर मेरे हाथ पे कोई मेहंदी नहीं लगी हुई. ईद दो शादियों जब भी हमने सरगोधा जाना हो मेरे हाथ पे कभी मेहंदी नहीं लगी होती, पर इस दफ़ा मम्मा ने मुझे लगा दी थी मेहंदी, थोड़ी सी ट्राई कर रही थी वो, पर उनसे सही लग गई. सो यहाँ पे अब हम लोगों ने जाना था आगे. नमाज का टाइम हो गया था, असर का टाइम हो गया था. 3 बजे हम लोग तकरीबन निकले थे लाहौर से निकले थे और 2 बजे निकले थे घर से. मामा बाबा ने मुझे यूनिवर्सिटी से पिक किया, फिर हम लोग निकले सरगोधा के लिए. और यहाँ पे अब हम लोग नमाज ब्रेक लेंगे 10 से 15 मिनट की. सो यहाँ पे ये एरिया बहुत ही खामोशी वाला होता है, बहुत ही मज़े का होता है. तो यहाँ पे अब हम नमाज़ पढ़ के वापस आते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ के फ्री हो गए थे और हम लोग वापस जा रहे थे अपनी गाड़ी की तरफ. और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फ्रेश भी हो गए थे, थोड़ा सा बैठे बैठे थक गए थे, तो हम लोग बाहर निकले थोड़ा फ्रेश हो गए. सो यहाँ पे अब हम लोगों ने दोबारा से स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी. और साथ ही हमारा ड्राइवर भी चेंज हो गया था, पहले बाबा ड्राइव कर रहे थे और अब भाई ड्राइव कर रहा है. और साथ ही देखे शाम होना स्टार्ट हो गया, असर के बाद का टाइम था ये. और सूरज हुआ मध्यम, ये भी मध्यम होना स्टार्ट हो गया. और यहाँ पे दरिया चनाब, दो दरिया आते हैं लाहौर से सरगोधा के रास्ते में, एक दरिया रावी एक दरिया चनाब. सो अब यहाँ पे दोनों ही दरिया गुजर चुके हैं. अब हम लोग तकरीबन थोड़ा सा और टाइम गुजरेगा मोटरवे के ऊपर और दैन हम मोटरवे से नीचे उतर जाएँगे और दैन हमारा मज़ीद 1 घंटे का सफ़र है और उसके बाद हम लोग पहुँच जाएँगे गाँव. मोटरवे पे दोनों तरफ ही आपको दरख्त नज़र आएंगे या खेत नज़र आएंगे अलग अलग वेराइटीज़ के. सो यहाँ पे रास्ते में बहुत सारी फसलें आती हैं, बहुत सारी डिफरेंट दरख्त आते हैं अलग अलग तरह के अलग अलग एरियाज़ में. सो यहाँ पे अब हम लोग उतरने वाले हैं मोटरवे से. और मोटरवे से उतरने से पहले एक राउंड अबाउट आता है और ये इतना राउंड है कि यहाँ पर जब इसके ऊपर हम चल रहे होते हैं तो मैं खुद भी घूम जाती हूँ, ऐसे लगता है कि दरवाज़ा खुलेगा और मैं भी नीचे गिर जाऊँगी. सो यहाँ पर अब हम लोग बस थोड़ी सी देर में 5 से 7 मिनट में मोटरवे से नीचे उतर जाएंगे. और यहाँ पे आ गया है सियाल मोर टोल प्लाजा इंटरचेंज और यहाँ से अब हम लोग पास देंगे इसे और मोटरवे से नीचे उतर जाएंगे. जी तो यहाँ से हमारा मोटरवे का सफ़र जो था वो ख़त्म हो गया और अब हम लोग ऐसे ही चलते जाएंगे तकरीबन 1 घंटा चलेंगे. देन हम
जो है सरगोधा शहर के अंदर एंटर करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे गांव की तरफ। और यहां से अब हम इन बैरियर्स को क्रॉस करेंगे और एक छोटे से अंकल हमें बाय बाय कह रहे थे और नेक्स्ट अब हम ऐसे ही जाएंगे। सो थोड़ी देर आप भी देखें कि क्या हो रहा है इर्द गिर्द। सो हेयर इज़ वन मोर टोल प्लाज़ा, लक्सियां टोल प्लाज़ा। और यहाँ से हम लोग दोबारा से एक पास लेंगे और इस रोड के ऊपर जाएंगे। और इन अंकल ने मुझे घूर के देखा था क्योंकि मैं इनकी वीडियो बना रही थी। सो नेक्स्ट अब हम लोग जाते रहेंगे यहाँ पे ही और रास्ते में बहुत सारी डिफरेंट एरियाज़ आएंगे, अलग अलग कस्बे आएंगे, अलग अलग गाँव आएंगे, खेत आएंगे और इस तरह की छोटी छोटी नदियाँ भी आ जाएंगी और छोटे छोटे यहाँ पे जिस तरह कारखाने होते हैं काम करने के लिए, देखें जिस तरह ये था ईंटें बनाने वाला और ये बजरी का रेत का, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट जगह हम लोगों को इस पूरे रास्ते पे नज़र आती रहेंगी। और इस वाली रोड पे बहुत ज़्यादा डस्ट होती है और यहाँ पे ये भट्टा पता नहीं इस तरह का कुछ कहते हैं इसे, और यहाँ पर ईंटें बनती हैं। और नेक्स्ट भी पूरा रास्ता हमारा इसी तरह से इस तरह की चीज़ें देखते हुए ही गुजर जाएगा और फिर हम सरगोधा शहर के अंदर एंटर करेंगे। और यहाँ पे दूर से हमें ये एक बाग नज़र आ रहा है, माल्टों का बाग। और सरगोधा तो वैसे भी माल्टों की वजह से काफ़ी मशहूर है कि सरगोधा के माल्टे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और यहाँ पे थोड़े थोड़े टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा सा रास्ता गुजरता है और हमें इसी तरह के बाग नज़र आते रहते हैं। और जी यहाँ पर अब हम होने लगे हैं एंटर सरगोधा शहर के अंदर। और ये आप लोगों को साइन भी नज़र आ रहा होगा, शाहीन बनी हुई है ये, पर मुझे नहीं समझ आता है किस तरफ से शाहीन है, मुझे कभी भी ये शाहीन नहीं लगी, बस इसकी एक ये चोंच नज़र आ रही होती है हमेशा से, तो साइड से शायद ये शाहीन लगे कहीं से, पर मुझे नहीं लगती। खैर हम लोग सरगोधा शहर के अंदर एंटर हो गए हैं अब। और यहाँ पे देखें ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, हर तरफ ही ट्रैफिक। और यहाँ की ट्रैफिक भी बहुत ही अजीब है, पता ही नहीं चलता कौन किधर से कब आ जाएगा। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर शाम भी होना स्टार्ट हो गई है, अच्छा अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था और साथ ही मगरिब का वक्त भी हो गया था। और अभी हम जो हैं सरगोधा शहर के अंदर हैं और यहाँ से हम लोग का एक छोटा सा काम था, वो काम कंप्लीट करेंगे अब हम लोग और उसके बाद हम लोग गांव की तरफ जाएंगे। और जी यहाँ पे रात हो गई है, शाम के 7:30 हो गए थे इस टाइम तक और हम लोग अभी तक गांव नहीं पहुँचे। खैर मैंने तो आप लोगों को 4 घंटे का सफ़र सिर्फ और सिर्फ 8-9 मिनट में तय करवा दिया। होप्स आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।